ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेबी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना रहा हो। ये केवल फाइनेंशियल लेवल का फ्रॉड नहीं था, ये तो बिजनेस, पॉलिटिकल और कुछ बड़ा ही गेम था। सहारा सीरीज छोटे मोटे खिलाड़ी तो थे नहीं, लेकिन जब ये गेम सेबी के शिकंजे में आया तो सेबी ने छोड़ा नहीं। सेबी के साथ काम करते हुए आपको ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल खेलने का मौका मिलेगा। खेल कभी एडवेंचरस भी होगा और कभी रिस्की भी, बट जॉब हमेशा इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। छह मई 2013 की बात है, यूपी की राजधानी लखनऊ में 121,653 लोग इकट्ठा होते हैं और एक नया गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनता है। राष्ट्रीय गान को एक साथ इतने लोग गाते हैं, पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जाता है सारा इंडिया परिवार द्वारा। और उसी समय सहारा इंडिया के 4,512 ऑफिसों में 1,000,000 से ऊपर स्टाफ मेंबर्स इस राष्ट्रीय गान में पार्टिसिपेट करते हैं। सहारा समूह के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। एक जगह पर सहारा समूह के लोगों ने राष्ट्रगान गाकर दरअसल ये रिकॉर्ड बनाया। ये था सहारा ग्रुप का जलवा, सहारा श्री की टशन। उसी समय सहारा के ऊपर चल रहा है सेबी का इन्वेस्टिगेशन। जब सेबी ने सहारा से कुछ पेपर्स मांगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पेपर्स देने पड़े सहारा को, तो 128 ट्रक लोड सेबी हेडक्वार्टर मुंबई में भेज दिए सहारा ने, जिसमें 31,996 कार्टन्स थे। 2 करोड़ से ज्यादा डॉक्यूमेंट सेबी को एक वेयर हाउस बुक करना पड़ा था उन डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। आप सोचो 128 ट्रक लोड को सेबी ऑफिस कहाँ लेके जाएगा। 55 करोड़ रुपए का खर्चा तो इन डॉक्यूमेंट को रखने का आ गया था सेबी का। और इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए जब सेबी ने 21,223 लोगों को लेटर्स लिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी सकता कि सहारा में बहुत बड़ा कांड चल रहा है, तो रिप्लाई आया 246 लोगों का 1.2%, केवल 7,652 लेटर तो वापस आ गए। अपने आप को सहारा श्री कहने वाले सहारा के फाउंडर सुब्रतो रॉय और सेबी में खुले आम लड़ाई चल रही थी। सहारा सेबी के अगेंस्ट एड दे रहा था, सेबी को चैलेंज कर रहा था कि सेबी चेयरमैन आके हमारे साथ नेशनल लेवल के टेलीविजन चैनल पे डिबेट करें और ये प्रूव करें। पहली बार किसी रेगुलेटरी बॉडी को इस तरीके से ओपन चैलेंज किया गया था, लेकिन ये आदत तो सुब्रतो रॉय की पुरानी थी। Hi everyone, welcome to exam before 50% faster preparation for your job. My name is Chandraprakash Joshi. आज की कहानी में हम विस्तार से बात करेंगे किस तरीके से सहारा इंडिया इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना। ये कहानी है एक छोटे से शहर के बड़े ख्वाबों वाले बंदे की, और ये बंदा अपनी लाइफ के पहले 30 साल में केवल लेमरेटा स्कूटर चला रहा होता है, घूम रहा होता है छोटे छोटे कस्बों में, फिर एक दिन अपनी वाइफ के साथ नमकीन बिस्किट बनाने की फैक्ट्री शुरू कर देता है। लेकिन ये उनकी लाइफ की एस्पिरेशंस के लिए बहुत छोटी थी। 1978 में ये कंपनी खड़ी करते हैं अपनी लाइफ की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, इतनी ऊंचाई तक कि पैर जमीन पे नहीं रहते। जब 2009 में जहां से इनका जहाज डगमगाने लग गया, 2009 में सहारा प्राइम सिटी के साथ जो एक रियल एस्टेट वेंचर था उस कंपनी को इन्हें पब्लिक लाने का प्लान बनाया, यानी कि आईपीओ लॉन्च करने का प्लान बनाया, तो सेबी के पास इन्होंने फाइल किया ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। जब कोई कंपनी पैसा रेज करने चाहती है, जैसे कि आईपीओ रेज करना चाहती है पब्लिक को अपने शेयर्स बेच के, तो ये सेबी के पास एक ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करती है, जिसको हम ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये एक क्रूशियल कम्युनिकेशन लिंक सर्व करता है कंपनी के बीच में और पब्लिक के बीच में। DRHP ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बताता है कंपनी के बारे में, किस काम के लिए ये कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, इस कंपनी की नेटवर्थ कैसी है, इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, क्या वैल्यूएशन है, क्या प्लान है, और पैसा रेज करेगी तो इसके बाद कंपनी क्या करने वाली है, किस टाइप के इसमें रिस्क है। और ये डॉक्यूमेंट कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे रहता है, मर्चेंट बैंकर्स के पास रहता है, यानी कि पब्लिक को ये बताया जाता है, ओपनली सारी जानकारी दी जाती है। सेबी ने जब ये DRHP को देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि सहारा फर्म्स, दो कंपनी सहारा में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा बड़े पैमाने पर फंड रेज करने का प्रयास किया गया है। और सेबी को इस टाइप की कंप्लेंट मिलनी शुरू हो गई। 25 जनवरी 2009 को कंप्लेंट मिली, जनवरी 4 2010 को कंप्लेंट मिली। सेबी के पास कंप्लेंट आई कि सहारा इंडिया ने एक प्रकार के बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके पैसा रेज किया मार्केट से। इन इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं OFCD, ये आप याद रख लीजिए,
ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये एक टाइप के डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिन पर बोला जाता है आपको हम फिक्स्ड इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है ये ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल है। फुल्ली कन्वर्टेबल यानी कि ये पूरे के पूरे डिवेंचर को इक्विटी में शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये ऑप्शन किसके पास है, ये ऑप्शन है इशू करने वाली कंपनी के पास यानी कि सहारा के पास। देखिए सीबी पिक्चर में कहां से आया, सहारा इंडिया 30 साल से इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बना रहा है, अभी मैं आगे बताता हूं आपको स्टोरी में। लेकिन सीबी पिक्चर में कहां से आया, जब इन्होंने सोचा हम आईपीओ से पैसा उठाएंगे और उसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको आगे बताता हूं। यहां पर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि ये ओएफसीडी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से पैसा उठा रही है सहारा की कंपनियां, और उसमें सहारा की नेटवर्थ करीब 70,000 करोड़ थी 2009 की बात कर रहे हैं। सेबी जैसे रेगुलेटर के लिए भी सहारा जैसी बड़ी कंपनी, पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना आसान नहीं है। बट पहले ये समझते हैं कि सुब्रत रॉय ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कहां से। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सहारा इंडिया की पैदाइश 1978 में हुई, जब 30 साल तक लेमरेटा में घूमने के बाद सुब्रत रॉय का कुछ खास बिजनेस चल नहीं रहा था, तो उनको एक आइडिया आया क्यों ना मिलके, ये गोरखपुर की बात है, उन दिनों गोरखपुर में थे, 3 लोगों के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें जो मजदूर लोग हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, उनके साथ हम एक स्कीम लगाएंगे कि अगर आप अपनी कमाई का 20% हमको दे दो डिपॉजिट के रूप में, हम आपकी रकम को डबल कर देंगे। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल 6 साल डबल करने की स्कीम होती थी, और हमारे देश में ये पैसा डबल करने का बड़ा जबरदस्त क्रेज है लोगों को। 25 दिन में पैसा डबल, ने उनको फैसिलिटी ये दी कि आपकी दुकान में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में आके हम आपसे पैसा कलेक्ट कर लेंगे। और ये डेली वेज अर्नर्स होते थे, तो डेली इन्हें 5 रुपया 10 रुपया देने में कष्ट नहीं लगता था। पहले 48 इन्वेस्टर्स से शुरू किया, 48 इन्वेस्टर्स 78 में आए, और धीरे धीरे इनका ट्रस्ट बढ़ने लग गया, और अब बनना शुरू हो गया सहारा इंडिया परिवार। इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, एजेंट हायर किए, कुछ को सैलरी पे प्लस कमीशन, और कुछ लोगों को केवल कमीशन एजेंट के रूप में हायर किया। आप नए नए लोगों के डिपॉजिट्स लाते जाओ और कमीशन कमाते जाओ। नए नए डिपॉजिट आते जा रहे थे, उससे ये पुराने डिपॉजिट्स को ब्याज के साथ पैसा डबल किए जा रहे थे। और जब तक नया डिपॉजिट ज्यादा मात्रा में आ रहा है, पुराने डिपॉजिटर्स को पैसा देना बहुत आसान है, और उनसे फिर से इन्वेस्ट करवा लेते थे इनके एजेंट। कुल मिला के पैसा ही पैसा। सुब्रत रॉय ने अपने आप को यहाँ पर नाम दिया सुब्रत श्री का। उन्होंने बोला सहारा इंडिया एक परिवार है और मैं इस परिवार का हूँ मुखिया। 1990 तक आते आते करीब 12 साल हुए अभी कंपनी को बने हुए, 1 करोड़ डिपॉजिटर्स का बेस खड़ा हो गया इनका। यहाँ से परिवार बनने लग गया बिजनेस अंपायर। सहारा ग्रुप ने अपने आप को एक्सपेंड किया, एयरलाइंस सहारा सिटी, सहारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई 2 बोइंग विमान से, और सहारा सिटी इंडिया का सुपर प्रीमियम टाउनशिप के नाम से जाना गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का शौक सुब्रत रॉय को पहले से ही था, 315 स्टोर एक साथ खोले गए सहारा की स्टोर में, 10 स्टेट्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 2002 में टीवी चैनल लॉन्च किया, बीसीसीआई के स्पॉन्सर बन गए, और आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, हम बच्चे थे और पहला नाम हमने जो जर्सी पे देखा क्रिकेट टीम की वो सहारा का देखा। ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, लोगों का भरोसा बहुत बढ़ गया सहारा पे, घर घर का नाम हो गया सहारा। इतनी तेजी से एक्सपेंशन होगा और सरकार की नजर ना पड़े, 1996 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहारा को नोटिस जारी किए। प्रसन्नजीत सिंह थे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लखनऊ में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनके पास कंप्लेन आई थी। इस कंप्लेन में जानकर हैरान हो गए कि इसमें उस समय के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने आया। सहारा इंडिया इतना बोल्ड था, उन्होंने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट छापा फुल पेज। जब उनसे पूछा गया कहां से ये डिपॉजिट आया है, ऑफिशियल सम्मन का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी, और फुल पेज एडवर्टाइजमेंट में क्या जवाब दिया इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि हमारे पास पैसा है पीवी नरसिम्हा राव का, अटल बिहारी वाजपेयी का, चंद्रशेखर का, 3 पूर्व प्रधानमंत्री, और उसके अलावा जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे मुलायम सिंह यादव का, बेनी प्रसाद वर्मा का, ज्ञानेश्वर मिश्रा का और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उसमें के सीताराम केसरी, लोकसभा स्पीकर पीए संगमा, बीएसपी सुप्रीमो काशीराम, यूपी के बीजेपी चीफ कलराज मिश्रा, उसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, कमलनाथ, ऐसे बड़े बड़े नाम लिखे कि दिल्ली तक सरकार हिल गई। इनकम टैक्स कमिश्नर को 2 महीने की छुट्टी देके मामला गया। लेकिन धीरे धीरे एक अंत की शुरुआत तो होने लगी थी। आपको ध्यान होगा
शुरू में मैंने आपको सेबी के साथ आईपीओ के बारे में बताया, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, वहां से सेबी की एंट्री शुरू हुई स्टोरी में। और सेबी जैसा रेगुलेटर छोड़ता नहीं है, सेबी के ऑफिसर्स को शक हुआ कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। ये शुरुआत थी आने वाले अंत की। अभी तक भी लोग इनकी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिनका मैच्योरिटी का टाइम आ रहा था वो अब इनको नई स्कीम पकड़ा रहे थे। इनके एजेंट नई स्कीम में था कि इन्वेस्ट करो और पैसा 3 गुना बनाओ, और ये फोर्सफुली भी किया जा रहा था। और इस समय कंपनी 7 लाख लोगों का सहारा इंडिया परिवार बन चुकी थी, और सहारा श्री देश के जाने माने बिजनेसमैन, उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी करी। भारत में सबसे बड़ी शादी उस समय की सुशांतो और सीमांतो की शादी में, और कौन उसमें नहीं आया, पॉलिटिशियंस, मीडिया, बिजनेस सेलिब्रिटीज। जब आदमी जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, वहां पर सब पर उसकी नजर पड़ जाती है कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, 500 करोड़ खर्चा किए, 1000 करोड़ शादी में, हर आदमी अपनी बात बनाएगा। तो यहाँ पर सहारा के बिजनेस मॉडल के बारे में क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए थे पब्लिक में। सहारा ने भी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करते हुए अब सारे एजेंट को घर घर कलेक्शन करने की बजाय अपने डिपोजिटर्स को ये बोला कि आप सहारा के ऑफिस में आके पैसा जमा करो। लेकिन लोग दिन भर काम करके थक जाते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग पैसा जमा नहीं कर पाते थे। उस पर सहारा ने पेनल्टी लगा दी, उनका इन्वेस्टमेंट जब्त कर लिया। तो बहाना था, ये फाइनल वर्डिक्ट की ओर सहारा को आना था। खेल बिगाड़ना शुरू किया सहारा का आरबीआई ने। सहारा की एक एनबीएफसी है, उसमें सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको आरबीआई ने फ्रेश डिपॉजिट लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये दिख रहा था लोगों को इसमें पोंजी स्कीम कुछ चल रही है, अब सहारा ग्रुप को कंटिन्यूस फंड चाहिए। जब आरबीआई ने इनका रास्ता बंद कर दिया तो इन्होंने दूसरी ग्रुप कंपनियों के माध्यम से ओएफसीडी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने का प्लान बना लिया, नया रूट डिसाइड किया। इसमें 2 कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चले गए। इन दोनों कंपनियों की जो शेयर कैपिटल है वो है 10-10 लाख रुपया। प्लान बनाया 20,000 करोड़ रुपया रेज करने का। अब आप सोचो, आप बैंक जा रहे हो, बोल रहे हो मैं पूंजी लगाऊंगा 10 लाख रुपया और आप मुझे दे दो 20,000 करोड़ रुपया। लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपया बैंक से नहीं आना था, ये डिपॉजिटर से, आप उसको टेक्निकली डिपॉजिट नहीं बोलते हो बिकॉज वो डिवेंचर है, इन्वेस्टर से लेना था। अगर आप पब्लिक में इन्वेस्टर से पैसा लेने जा रहे हो, 50 से ज्यादा आपके इन्वेस्टर होने जा रहे हैं, तो यहाँ एक्चुअली रोल सेबी का आ जाता है। इसको तब बोला जाता है पब्लिक इशू। यहाँ वो बाउंड्री क्रॉस कर चुका था सहारा इंडिया। उन्हें लगा आरबीआई अब हमें डिपॉजिट नहीं लेने देता है, एनबीएफसी आरबीआई के रेगुलेशन में आती है, तो इन कंपनी में आरओसी का अप्रूवल लेके हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। और है तो वो डिवेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहेगा। पब्लिक को तो लग रहा है कि वो फिक्स रिटर्न लेके रहेंगे, लेकिन सहारा के पास ऑप्शन रहेगा, कल को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे उसको। सेबी को ये सारी खुरापात समझ में आ गई जब ये आईपीओ की बात करने आए यहाँ पे। इन्होंने बोला पहले वो तो ठीक है, बट ये तुम ओएफसीडी में कर रहे हो, ये क्या है, ये परमिशन कहाँ से आई आपको, 50 इन्वेस्टर से ज्यादा अगर जाने हैं तो हमारी अप्रूवल चाहिए थी, ये तो पब्लिक इशू है भाई। इस समय तक सहारा ग्रुप 3 करोड़ इन्वेस्टर से पैसा ले चुका था, उनके हिसाब से 3 करोड़, वो ट्रक याद रखिए, अभी आते हैं केस पे। और दूसरा, जब आप कोई भी पैसा रेज करते हो, चाहे आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर रहे हो, उसको ओपन रखने की एक सीमा है, मैक्सिमम 6 हफ्ते के अंदर आपको सारा इन्वेस्टमेंट खत्म कर लेना है। और सहारा यहाँ पे 10 साल तक ये ओएफसीडी में इन्वेस्टमेंट लिए जा रहा है, 17,250 करोड़ रुपये ने जमा कर लिए। सेबी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। यहाँ पे सेबी के जो होल टाइम डायरेक्टर थे उस समय केएम अब्राहम, उनका रोल इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि उनके पास जब आईपीओ की एप्लीकेशन आई, सहारा प्राइम सिटी की आईपीओ की एप्लीकेशन, तब उन्होंने इनकी जो ये जो ग्रुप कंपनी है 2, जिसमें ओएफसीडी इशू किए गए, ये सारी जांच करवाई। अब क्योंकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, उनके इंटरेस्ट की बात है, तो ये सेबी का जुरिडिक्शन हो गया, ऐसा सेबी ने बोला। सहारा ऐसा नहीं मानता था, और इस बात को जब सहारा नहीं मान रहा तो सेबी इस बात को कोर्ट में लेके गया। सहारा तो बोल रहा है कि तो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेबी, आरओसी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, हमने वहां से ऑलरेडी परमिशन ले ली है। सेबी ने बोला स्टॉप इट नाउ, और ये भी बोला कि 15% इंटरेस्ट के साथ जिससे भी आपने पैसा लिया वापस कर दो। दिसंबर 2010 में सहारा ने सेबी के डिसीजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेबी ने अपना पक्ष रखा, फाइनली मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो सेट है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल लगभग हर
वीडियो में इसका जिक्र आता है सेबी से रिलेटेड, और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था इसका बार बार जिक्र आएगा, बिकॉज अगर आप सेबी के फैसले से खुश नहीं है तो आप यहां जाकर शिकायत करोगे। पहले सेट ने सेबी का पक्ष लिया, अब बात आई इधर सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहां पर एक चीज सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में भी आई और सेबी के भी, कि 3 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो आज तक कोई रिटेलर्स की कंप्लेंट कैसे नहीं आई? आप जरा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ वो सहारा का न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जहां इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम ले लिए थे, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगस्त 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट को मामला साफ दिख रहा है, उसने सहारा से बोला आप सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो 3 महीने में, जैसा सेबी ने कहा है, और सेबी से भी एक कदम आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पैसा सेबी के पास रखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहला सहारा पे भरोसा नहीं था, उन्होंने बोला इन्वेस्टर का नाम लेके बोल देगा मैंने वापस कर दिया, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे झूठे डॉक्यूमेंट दिए जा रहे थे, झूठे सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को, और ये बात मैं कोट कर रहा हूँ इस बुक से, यूके सिन्हा साहब उसमें सेबी के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद यहाँ पे मेंशन किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट को शक था इन्वेस्टर्स हैं ही नहीं इतने, ये तो कहीं ब्लैक मनी व्हाइट करने की स्कीम चल रही है, कुछ सिलेक्टेड लोगों का पैसा सहारा ग्रुप में लगा होगा, इनके पास इन्वेस्टर्स नहीं निकलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बोला कि आप सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल भी सेबी को दो, पैसा वहां डिपॉजिट करो, एंड सेबी विल देन इंश्योर दैट मनी रीचेस टू द इन्वेस्टर्स। और जैसा एक्सपेक्टेड था, सहारा ने तो न पैसे दिए 3 महीने में, न डिपॉजिटर्स की डिटेल, सहारा ऑफिशियल्स सेबी ऑफिशियल्स की चिट्ठियां रिसीव नहीं करते थे, अपनी फैक्स मशीन ऑफ कर दिया करते थे, और जब सेबी ऑफिशियल्स उनको ये लेटर देने के लिए सहारा के ऑफिस गए तो उन्होंने हैंड डिलीवरी लेने से भी मना कर दिया। फाइनली सेबी को स्पीड पोस्ट करना पड़ा अपने पास प्रूफ रखने के लिए, और जब मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, बार बार कोर्ट की लतार पड़ी, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट लेके आए कि इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया है। फिर फाइनली इन्होंने सेबी को 5,120 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया और पहुंचा दिए 128 ट्रक डॉक्यूमेंट जो फर्जी हैं। अब आप समझ ही गए हो, जो फर्जी हैं वो डॉक्यूमेंट वो पहुंचा दिए सेबी के हेडक्वार्टर पे तमाशा खड़ा करने के लिए। तमाशे का तो बहुत शौक था ही ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, 1 लाख लोगों का राष्ट्रगान, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है स्टोर खोलने का। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सेबी ने जब इन इन्वेस्टर्स को लेटर लिखे कि भाई अपना पैसा वापस ले लो, 1.2% लोगों का रिप्लाई आया। और यहाँ पे सहारा श्री की बोल्डनेस देखिए, ये एडवर्टीजमेंट दिया उन्होंने फ्रंट पेज में, और जब भी हमारे देश में कोई आदमी बड़ा कांड करता है तो वो भारत माँ का नाम ले लेता है, तो देखिए भारत माँ की तस्वीर लगाते हुए वो लिखते हैं, फॉर एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ अवर्स एट ऑल सेबी इज कंटिन्यूअसली डैमेजिंग द सहाराज हार्ड अर्न्ड क्लियर इमेज रेपुटेशन एंड गुडविल अर्न्ड इन द लास्ट 54 इयर्स। और वो क्लियरली लिखते हैं कि सेबी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं चैलेंज करता हूं कि सेबी के चेयरमैन मेरे साथ एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट पर आ जाए, मैं 1 घंटे का टाइम बुक करूंगा टीवी चैनल के साथ, और मैं प्रूव कर दूंगा कि सेबी के ये बड़े बड़े आरोप बेबुनियाद हैं। अपने 10 लाख सहारा इंडिया परिवार के लोगों का हवाला देते हुए वो ऐसी एक इमोशनल अपील करते हैं और फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और वो यहाँ ये भी लिखते हैं कि हमने सेबी को 5,120 करोड़ दे रखे हैं, जो फैक्ट है, हमने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर दिए हैं। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सुब्रत रॉय गिरफ्तार हो जाते हैं और लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। फिर 2 ED raid डालती है और सहारा ग्रुप को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी पाती है। 2020 में ये पाया गया कि 2012 और 2014 के बीच में भी इनकी जो 2 ग्रुप कंपनी थी, और ये टाइम है जब सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस समय भी इनकी कंपनीज ने कोऑपरेटिव बना के पैसा इकट्ठा किया मार्केट से 86,673 करोड़ रुपया, करीब 4 करोड़ लोगों से। और सेबी ने यह बताया कि इसमें से 62,643 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया गया एम्बी वैली प्रोजेक्ट में, जो आपको पता हो महाराष्ट्र का एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है लोनावाला में, ये वही प्रोजेक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अटैच करके बाद में बेचा था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड केस है। यहाँ पे सहारा ने इस्तेमाल किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इस पे 2019 में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव ने ये डिसीजन दिया इनको बैन करते हुए कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम आती है, जिस स्कीम के तहत आता है और पंजी स्कीम है, इसको बंद किया जाए। और 2020 नवंबर में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि सहारा को डायरेक्ट किया जाए 65,000 करोड़ रुपए गरीब इन्वेस्टर्स को वापस लौटाने के लिए, जबकि सुब्रत रॉय ने अभी तक केवल 15,000 करोड़ रुपए पे किए हैं। सहारा ग्रुप बोलता है कि उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने की बात होती थी तो हर बार सहारा ग्रुप ये बोलता था उन्होंने पैसे कैश में वापस कर दिए हैं,
जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सेबी की ओर से इंस्ट्रक्शंस थे कि आप इसको बैंक में वापस करोगे जिससे कि इसका रिकॉर्ड रहे। तो ये बात तो पक्की है, इसमें लाखों इन्वेस्टर्स का और कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों का ब्लैक मनी जो उस समय के लिए व्हाइट हो गया, हमेशा के लिए डूब गया। अब रिसेंट की बात करें तो 2020 में शायद आपको पता हो, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक CRS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और इस पोर्टल में ये बताया गया कि जिसके पास भी सहारा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर अपनी डिटेल जमा करे, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके उनका इन्वेस्टमेंट वापस किया जाएगा। दोस्तों इस स्टोरी को जान के इतना तो आप पक्का समझ गए होंगे, ये केवल फाइनेंशियल लेवल का फ्रॉड नहीं था, ये तो बिजनेस, पॉलिटिकल और कुछ बड़ा ही गेम था। लेकिन जब ये गेम सेबी के शिकंजे में आया तो सेबी ने छोड़ा नहीं, यहाँ पे रेगुलेशन की पावर को और उनके परसिवरेंस को दाद देनी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेबी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना रहा हो, सहारा सीरीज छोटे मोटे खिलाड़ी तो थे नहीं। सेबी के साथ काम करते हुए आपको ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल खेलने का मौका मिलेगा, खेल कभी एडवेंचरस भी होगा और कभी रिस्की भी, बट जॉब हमेशा इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस सीरीज, to demystify working of SEBI, to demystify working of the regulation and help you building your career, help your job preparation 50% faster. We at iExamBee are helping to unfold your potential. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स बीच में बोल दिए हैं तो आप कमेंट पे पूछिए, I will try to explain by replying and also covering that in the coming videos. Wish you all the best.